स्वागत है दोस्तों वन मिनट अपडेट्स में। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ महामारी एक्ट के तहत FIR दर्ज हुआ। तो आइए इस वीडियो में देखते हैं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने ऐसा क्या किया जिसके वजह से UP पुलिस ने उन पे FIR दर्ज कर लिया। तो चलिए शुरू करते हैं। महामारी एक्ट के तहत नोएडा पुलिस ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ FIR दर्ज कर दी गई है। प्रियंका और राहुल गांधी एक इकोटेक वन थाने में FIR दर्ज की गई है। साथ ही 150 कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर भी प्राथमिकी नामजद है। रिपोर्ट द्वारा प्राप्त जानकारी के मुताबिक 50 अज्ञात लोगों पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। सभी पर धारा 188, 269, 270 IPC के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी भी गुरुवार को हाथरस गैंगरेप की पीड़िता के परिजनों से मिलने के लिए हाथरस जा रहे थे, जहां उनका आरोप है कि उन्हें पहुंचने से पहले उन्हें पुलिस प्रशासन ने रोक लिया। कांग्रेस नेता इस यात्रा से पहले यूपी प्रशासन के लोगों को एकत्रित होने पर प्रतिबंध लागू कर दिया और साथ ही कोरोना वायरस का हवाला देते हुए सीमा पर बैरिकेड लगा दिए। कांग्रेस नेताओं ने भी रास्ता रोका और नारेबाजी की। गांधी परिवार की SUV ने बॉर्डर क्रॉस कर ली, लेकिन उनके काफिले को ग्रेटर नोएडा पर रोक लिया गया। जहां उन्हें रोका गया था वहां हाथरस की दूरी 182 किलोमीटर थी। इसके बाद राहुल गांधी और प्रियंका अपने वाहन से बाहर निकले और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ पैदल चलना शुरू कर दिया। इस दौरान कार्यकर्ता यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कुछ देर बाद पुलिस आई और उन्हें रोकने की कोशिश करने लगी, जिसके बाद से राहुल गांधी और पुलिस के बीच झड़प हुई और उन पे FIR दर्ज कर ली गई। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन भी दबाना ना भूलें।